प्रणाम महारानी जी। क्या बात है, आज आप कुछ हमसे रूठी हुई हैं? कितना विलंब कर दिया, हम आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो हो ही जाता है, पर अब तो आपको कोतवाल बना दिया गया है। ये सब आपकी कृपा है। ये क्या महारानी महारानी लगाए रखते हो? तो फिर क्या कहूँ, हम आपकी पिंगला हैं, हमें पिंगला कहिए और यहाँ आके बैठिए हमारे पास। जरूर, क्यों नहीं पिंगला जी, कहिए। क्या करूँ, अब महाराज और विक्रम से भी तो डर लगता है। महाराज, महाराज तो हमारी मुट्ठी में है और विक्रम, विक्रम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी नौकर नौकर ही होता है। नहीं नहीं, आप हमारे दिल के मालिक हैं, तो ये सारा राज्य आपका ही तो हुआ। तो फिर ठीक है, ये बात है तो फिर डर का है का? जी हाँ, आप निसंकोच होकर यहाँ आइए। हुक्म कीजिए। आइए, हम चौपड़ खेलते हैं। अवश्य, क्यों नहीं। लीजिए पहली चाल हमारी। ये लो, हमने भी चल ली चाल। ये लीजिए, लगता है कोई आ रहा है। अब क्या करूं? आप जल्दी से इसके नीचे छुप जाइए, जल्दी कीजिए। केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल मैं आया था सैल में खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल मैं आया था सैल में
झुका कनाड़ मांगे, राम झुका कनाड़ बढ़ गया जंगला जी के महल में। मैं आया था सैल में, फूल के केवाड़ बढ़ गया भाती जी के महल में। मैं आया था सैल में, फूल के केवाड़ बढ़ गया भाती जी के महल में। मैं आया था सैल में, फूल के केवाड़। हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत यहाँ आने की? भाभी कैसी बातें करती हो, अपने ही घर में हमने इजाजत लेनी पड़ेगी? अभी जो इंसान था घर में वो इंसान कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है। कैसी बातें करती हो, क्या आंखें धोखा खा सकती हैं? तुम्हारी नियत में खोट है, तुम अपनी भाभी अपने सगे भाभी पे शक कर रहे हो। भाभी कैसी बातें करती हो, तुम हमारी माँ जैसी हो, लेकिन फिर भी हम हाथ जोड़कर आपके सामने यही प्रार्थना करते हैं, हमारी इज्जत की तरफ ध्यान दो। तुम्हारी नियत में खोट है, आने दो आज महाराज को आने दो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही बात कर रही हो भाभी आप हमारे साथ? आने दो, आज मैं उन्हें बता के रखूंगी। कैसी बातें कर रही है भाभी, अब भी मैं ये कह रहा हूँ अपने घर की बात घर में है, इस बात को आगे मत बढ़ाओ, हमारी बेइज्जती मत करो। यहाँ कौन है तुम खुद देख सकते हो, यहाँ कोई भी नहीं है। अब तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो पीछे का रास्ता आपने उस इंसान को पीछे से निकाल दिया है, आज तो निकाल दिया लेकिन 100 दिन चोर की होते हैं, एक दिन साग भी आता है भाभी, ये ध्यान रखना। तुम अपनी भाभी पे शक कर रहे हो, अपनी सगी भाभी पर? हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे माँ की समान हैं, लेकिन जो बातें बार बार मैं आपको कह रहा हूँ आगे इस महल में नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी नियत में खोट है, तुम बहुत दिन से मुझे परेशान कर रहे हो, आज आगे ना महाराज को। गलत बातें कर रही हो भाभी, मैं तुम्हारा बेटे की तरह हूँ और आप हमारी माँ की तरह हैं, कैसे इल्जाम लगा रही हैं आप हमारे ऊपर उस बात को दबाने के लिए? महाराज को क्या आने दे, आज मैं भी भाई साहब से बात करूंगा, ये बातें बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ सहन नहीं होती है। ठीक है तो आने दो आज महाराज को, मेरा जीना हराम किया हुआ है, तुम छुप छुप कर मुझ पे निगरानी रखते हो, मैं यहाँ की मालकिन हूँ या चोर? कैसी बातें करती है भाभी, जो कुछ है आपको पता है, मैं आपका बच्चा हूँ, ज्यादा बातें आपको नहीं कहता, लेकिन जो बात आज मैंने इस महल में देखी आज के बाद नहीं दिखाई देनी चाहिए ना वरना इसका अंजाम। आज महाराज को आने दो, या तो तुम रहोगे इस महल में या मैं, निकलिए अब ये मेरे कक्ष में से आप निकलिए। हैं चांदनी रात की तरह जगमगाने वाले महल की ये हालत, और ये कौन कौन हमारी प्राणों से प्यारी पिंगला, क्या बात हुई रानी आज इस कदर बाल बिखराए श्रृंगार बिसराए इस तरह लेटने का कारण, बतलाओ रानी क्या कारण है, क्या चित अधीर है, क्या किसी ने कुछ कहा है? सच सच बतलाओ रानी, अगर किसी आंखों ने तुम्हारी ओर कुदृष्टि उठाई हो तो उन आंखों को निकलवा दूंगा, किसी हाथ ने तुम्हारी ओर चेष्टा से बढ़ने की कोशिश की उन हाथों को तुड़वा दूंगा, अगर किसी जुबान ने तुम्हें अपशब्द कहे तो उस जुबान को खिंचवा दूंगा। सच सच बताओ रानी, सच बताओ, क्या बात है रानी, आज तक कभी इस तरह तुमने नाराजगी नहीं दिखाई, इस तरह का रूप नहीं दिखाया, फिर आज क्या कारण है रानी, बोलो कुछ तो बताओ। देखो रानी, तुम्हारा इस तरह से धूल विस्तृत होना हमारे सीने पर कटारे चला रहा है, बोलो रानी इस तरह धूल में विस्तृत हो क्यों लेटी पड़ी हो, क्या कारण है? उठे क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरतार, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरतार, तेरे ते बोला ना चाहती, आए अंधेरे को बार महल में रे दीवाना पति, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े तेरे को बार महल में रे दीवाना पति।
उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। सब जानू सू थारा बीरा का जुनसा हो मता, जुनसा हो मता। सब जानू सू थारा बीरा का जुनसा हो मता, जुनसा हो मता। खता हुई मेरी से ईब लग रही शरम तेरी से, बता के खता हुई मेरी से ईब लग रही शरम तेरी से। ना अपने घर चली जाती घर घर में जूत मार ले बाहर मर मानस पंचाती, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। अंधेरे गोबार महल मरे दीवाना मती, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे। बाग बावड़ी महल हवेली सब तेरी जायदाद, सब तेरी जायदाद। तेरे बुलाना सुन सुन पड़ गई छाती के मराद, छाती के मराद। बाग बावड़ी महल हवेली सब तेरी जायदाद, रे सब तेरी जायदाद। हवेली सब तेरी जायदाद, रे सब तेरी जायदाद। तेरे बुलाने सुन सुन पड़ गई छाती के मराद, छाती के मराद। तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो सब देश नगर थारा से, तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो सब देश नगर थारा। किसने के कह दिया डाल रे तू रो रो इतना की, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। मने मत ना छेड़े भर तार तेरे ते बोला ना चटी। आए अंधेरे को बार महल में रे दीवाना पती, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। भरे भराए मैला मैं किसे रोप दिए चाले, रे रोप दिए चाले। ईब खोल के गेरू तेरे सिरे बूंदी और नाले, बूंदी और नाले। भरे भराए मैला मैं किसे रोप दिए चाले, रे रोप दिए चाले। तेरे उस विकर्मा में आग रख जा काले मूठी नाग, तेरे उस विकर्मा में आग बाड़ दी गेरे के पति। इस भगत पर दोष
दास लगावे या जुलम भरी गाती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार मने मत ना छेड़े फरकार तेरे ते बोला ना चती आए अंधेरे को बार महल में रे दीवाना पति उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार गए तो बंदर से घर के रे बंदर से घर के मांगे राम मेरा लोग पांडा छूटे कमर के छूटे कमर के किस नरे नरे बैठ गए तो बंदर से घर के रे बंदर से घर के समाई थारी गणुआ की बड़ू लुगाई नार करके जा बैठ समाई थारी गणुआ की बड़ू लुगाई मेरी ना और बड़ी छाती लोग बिन आई मरवा दे देखियो या शीलिक से ताती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार मने मत ना छेड़े अंधेरे को बार महल में रे दीवाना पति उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार मने मत ना छेड़े फरकार तेरे ते बोला ना चाती आए अंधेरे को बार महल में रे दीवाना पति उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार सच सच बताओ रानी तुम्हारे अविश्वास का कारण क्या है महाराज क्या आप कारण सुन सकेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं बताओ तो कारण आपका भाई है कौन विक्रमा जी हाँ क्यों ऐसा उसने क्या किया वो हमें कई दिनों से बुरी नजरों से देख रहा है नहीं जरूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ है तो क्या महाराज मैं झूठ बोल रही हूँ नहीं रानी झूठ तो तुम भी नहीं बोल सकती लेकिन विक्रम कहीं ऐसा तो नहीं रानी किसकी ममतामयी हरकतों को तुम गलत अंदाज में ले जा रही हो महाराज क्या हमें ममता की नजरों और गलत नजर में अंतर करना नहीं आता विश्वास नहीं होता रानी कि विक्रम और इस तरह महाराज हम पे विश्वास कीजिए विश्वास है रानी तुम पर पूरा विश्वास है लेकिन विक्रम पर भी तो एकदम अविश्वास नहीं कर सकता महाराज वो पिछले कई दिनों से हमें तंग कर रहा है ठीक है रानी अगर ऐसा है तो हम महल में बुलवाकर विक्रम से सारी बातें पूछेंगे और फिर ही कुछ कह पाएंगे तुम उठो श्रृंगार करो देखो तुम्हारा स्त्री रहना हमारे दिल को अच्छा नहीं लगता अगर विक्रम ने कोई गलत हरकत की भी है तो हम कसम खाते हैं रानी तुम्हारी उसे वो सजा देंगे कुत्ता जिंदगी याद रखेगा उठो रानी श्रृंगार करो जी महाराज हम चलते हैं रानी प्रणाम बड़े भाई प्रणाम भाई साहब विक्रम आजकल हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनने लगे हैं क्या सुनने लगे हैं बड़े भाई जरा हम भी तो सुने आजकल तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी होती जा रही हैं कि उनसे किसी के दिल को दुख भी पहुंचता है कैसी बातें कर रहे हैं बेटे भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा पहले क्यों बुझा रहे हो सच सच बताओ क्या बात है तुम्हारे बारे में किसी व्यक्ति ने ऐसी बातें कही है जिसे सुनकर हम जबके बेचैन हैं कि हमारा विक्रम भाई ऐसी ओछी हरकतें भी कर सकता है क्या सुना है बेटे भाई किसने क्या कह दिया आपको किसने क्या कहने वाला कोई आम आदमी नहीं
आम व्यक्ति नहीं, हमारे दिलों की रानी, इस राज्य की पटरानी और तुम्हारी भाभी है। कौन वो पिंगला? देखते हैं हम आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अपनी प्यारी भाभी का नाम इतनी बेअदबी से ले सको। भूल गए कि वो इस राज्य की पटरानी और हमारी रानी है। बिल्कुल ठीक कहा बड़े भाई, लेकिन अपनी आंखों की पट्टी उतारो। जो पिंगला नाम की आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना, उसको उतारो बड़े भाई। पिंगला भाभी एक दिन आपकी नाक कटवा देगी। विक्रम, सच कड़वा होता है बड़े भाई। ऊंची आवाज में क्यों बोले? सच कड़वा होता है। अगर मैंने आपको उसकी सच्चाई बता दी, आप खड़े नहीं रह सकोगे, जमीन पर गिर जाओगे। किसकी बात का विश्वास करूं? उधर पिंगला इसकी शिकायत करती है, इसे गलत बताती है, और ये पिंगला को। विक्रम, मैं स्वयं महलों से उसकी बातें सुनकर आ रहा हूं, उसका हाल देखकर आ रहा हूं। तुम्हारी ये ऊंची हरकतों से उस बिचारी के दिल पर जो बीती है, जाकर देख के आ रहा हूं। दो निश्चित तो ही 16 सिंगार बिसलाई, किस कदर रो रो के उसने तुम्हारी शिकायत करी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़े भाई, आपको मैं बाप की जगह समझता हूं और हमारी भाभी को माँ की जगह, लेकिन अब वो माँ कहलाने के लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। विक्रम, तुम हद से ज्यादा पढ़ते जा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत है तो मेरे सामने से निकल जाओ, और आइंदा कभी मुझे भाई मत कहना। खूब कहा बड़े भाई, खूब कहा। वो दिन याद करो जब मेरी उम्र 6 साल की थी, माताजी का देहांत हुआ। आपने ये कहा था मैं इसकी माँ भी बनूंगा, बाप भी बनूंगा। आज भाभी की बातों में आकर मेरे को बार बार कितनी बातें कह रहे हो आप। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ना पिंगला झूठ बोल सकती है। जरूर तुमने कोई ऐसी हरकत की है जो उसके काबिले बर्दाश्त नहीं रही, तभी उसने आप पे आरोप लगाया है। ये झूठा आरोप है बड़े भाई, मैंने भाभी को कुछ भी नहीं कहा। मैंने भाभी के महल में गैर इंसान को देखा बड़े भाई। तू हद से ज्यादा पढ़ता जा रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। इन्हीं आंखों ने देखा किसी गैर इंसान को। आंखों देखा झूठा भी हो सकता है। हमारा आंखों देखा झूठा, पिंगला जो कहती वो सच। सच है क्योंकि आज तक पिंगला ने कभी झूठ नहीं बोला, और तेरी लड़कपन को देखकर, तेरी लड़कपन की उम्र को देखकर हर एक बात सच लगती है कि पिंगला जो ने कही है वो सत्य कही है। तूने जरूर उसकी तरफ बड़ा हरकत से देखा है। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा, तेरा वो हाल कर दूंगा कि तू ता जिंदगी याद रखेगा। ठीक कहा, आज मुझे वो दिन, आज मुझे पता लगा, आज मेरी माँ मरी, आज मुझे मरी हुई दिखाई देती है। आज मुझे माँ याद आ रही है, मुझे पिताजी याद आ रहे हैं। एक औरत की बातों को पूरा कर अपने छोटे भाई को ऐसी बातें करे, यहाँ से निकल जाऊं मैं, कहा जाऊं मैं? कहीं जा, कुएं में गिर, गहरे में कहीं जा, लेकिन मेरी आंखों के आगे मत है, जा, चला जा यहाँ से। बात सुनो बड़े भाई, बात सुनो। आपस की बात है, घर की बात है, कल ये बात बाहर निकलेगी, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। हमारी भाभी श्री को समझा लो, इस बात को यहीं दाब लो। भाई साहब, मेरे ऊपर गुस्सा क्यों करते हो? अरे तू जा यहाँ से, ना तू लाड़ के काबिल है, ना तू प्यार के काबिल है। तेरी जैसी ऊंची हरकतें, मैंने तुझे बेटी की तरह पाला और तू आस्तीन का सांप निकला। जा, निकल यहाँ से। कहाँ निकल जाऊं, पहले मेरी बात सुनो। सुना, क्या कहना चाहता है? Bye.
इस घर में ना मेरा रह गुजारा, माते पिता ने स्वर्ग से धारा, भाई रे मने तेरे रे हवाले कर गे महाराज क्या हुआ? होना क्या था महारानी, हमने विक्रम को अपने महल में बुलवाया और आपकी कही हुई बातों पर उसे पूछताछ की, लेकिन उसकी बातों को और उसके व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि उसने कुछ इस तरह की हरकत की होगी। महाराज हमने पहले भी कहा था कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम भी नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन विक्रम के व्यवहार और उसकी बातों को देखकर हमें कुछ संशय सा हो गया था, इसलिए हमने अपने मन की बात आपके समक्ष कह दी। और महाराज अगर मैं अपनी बात सिद्ध करने के लिए आपके सामने सबूत प्रस्तुत करूं तो? सबूत? जी हाँ सबूत। तो रानी हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने सबूत पेश कर दिया तो हम उसे भरे दरबार में आम अपराधी की तरह सजा देंगे और ऐसा दंड देंगे कि पूरा राज्य देखेगा। तो सुनिए महाराज, नगर सेठ की पुत्रवधू के साथ उसके, हाँ बोलो रानी बोलो, उसके अवैध संबंध है। नहीं रानी, यहां भी तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ है, विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। ये कैसे कह रही हो रानी, तुम कैसे कह रही हो तुम ये? महाराज आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप उससे बुलवा के खुद ही पूछ लीजिए। तो ठीक है, हम कल ही राजमहल में नगर सेठ को बुलवाकर इस बात की सच्चाई जानेंगे। अगर ये बात सच पाई रानी तो हम विक्रम को देश निकाला दे देंगे। महाराज मुझे मृत्यु दंड चाहिए। मृत्यु दंड? महाराज अब भी आप विचार कर रहे हैं? आप कहां के न्यायकारी हैं? उसने उसने मुझे मुझे भी नहीं छोड़ा और आप? बस बस रानी, अगर ये बात सत्य पाई तो मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं कि कल राजमहल में नगर सेठ और विक्रमा के बयान होने के बाद विक्रम मृत्यु दंड का ही अधिकारी होगा। क्या तो चिंता मोर सेठ जी बक्की करा सेठानी, चिंता तो है मरण में जान आएगी। न्यून पड़ा तो कुआर न्यून पड़ा तो जेरा, क्योंकि पिंगला ने काम में ईशा कर दिया करके दिया ना गवाई दे
तो वो हमारे बालका ने कोलू मैं पिलवा देगी। और जब गवाही दे तो वो भी जब भगवान का जी देना है या भी झूठी गवाही भी देनी ठीक को ना। ये वो उसके पास से क्यों लाग रही है पिंगला बताइयो भाई साहब लाग रही हो मन्नत यो काम अच्छा नहीं लगता गवाही देनी तो ना चाहिए पर के करे ना दे दे अपने बालका का देखा ना तो सारे ने कोलू मांग पड़वाओगी वो या तो बात है। तू मेरी बात सुन एक बार सेठानी सुनाओ ले सुन लिया सेठ पे कर्ज मेरे शरी दोष धरावेगी विक्रम सदे भोले ने बिन खोट मरावेगी हाँ विक्रम सदे भोले ने बिन खोट मरावेगी लिया सेठ पे कर्ज मेरे शर को सदरावेगी विक्रम सदे भोले ने बिन खोट मरावेगी विक्रम सदे भोले ने बिन देखी वीर घड़ी दुनिया में ऐसी मिली लगाई ना क्यों देवर ने मरवावे या बात समझ में आई ना रुक तू कमांगने आला दया डाण के पाई ना चंदा बरगी सूरत पे सदे भोले ने बिन खोट मरावेगी विक्रम सदे भोले ने बिन खोट मरावेगी चिड़िया पेट भरे जब रहता ध्यान बाज के माँ बेशरम बेहूदी मानस खानी बड़गी मारे राज के माँ मर्द शराबी पीर सवाबी गेरे खाक ताज के माँ भैया के मन पड़वा के सदे भोले ने बिन खोट मरावेगी विक्रम सदे भोले ने बिन खोट मरावेगी खेल खिला देगी ना मान्या ते बात डाण की आप जहर पिला देगी चक्कर
करवर की राजा इसने माटी बीच मिला देगी रंगीन तखत और दजादरी रंगीन तखत और दजा महल की तड़ा गिरावेगी विक्रम सदे बोले न बने तो महाजन जी आपके राज्य के प्रति वफादारी और ईमानदारी देखते हुए हमने आपको नगर सेठ की उपाधि से सम्मानित किया था और आज हम आशा रखते हैं कि उसी सम्मान को मद्देनजर रखते हुए इस भरे राज दरबार में आप सत्य का साथ देंगे। तो क्या महारानी पिंगला जी ने जो आरोप विक्रम पर लगाया है वो सत्य है? हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं नगर सेठ, क्या यह आरोप सत्य है? जी महाराज, महारानी जी ने जो विक्रम पर आरोप लगाया है वो सत्य है। सेठ जी, आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं? आपने भी ऊपर जाना है, कुछ तो भगवान से डर के बोलिए। मैं आपके बेटे की जगह हूं, ये मेरी माता जी की जगह है। कैसा बयान दे रहे हैं, कैसी गवाही दे रहे हैं आप ये झूठी दरबार में? सोच लीजिए नगर सेठ, आपका कहा हुआ हां या ना किसी की जिंदगी और मौत का कारण भी बन सकता है। नगर सेठ की आंखों में भय का कहीं नाम नहीं। लगता है विक्रम पर लगे आरोप सत्य हैं। विक्रम, विक्रम जी भैया, अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं बड़े भाई, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो ये सेठ जी गवाही दे रहे हैं, पिंगला जी के दबाव में आकर गवाही दे रहे हैं। झूठ है ये, सेठ जी ने जो कहना कह दिया था, तुम अपनी बताओ। बता दिया मैंने तो जो बताना था, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। और महाजोड़गत भी आपसे कहता हूँ भैया, अब भी कहता हूँ। भैया मत कहो, इस सिंहासन पर बैठे हुए हम भाई रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं, हमारे सामने तुम एक अपराधी हो। ठीक कहा आपने, मेरा रिश्ता नाता भूल गए आप। पिंगला जी का, पिंगला जी ये क्या करवा रही है इसको? देखो भाई साहब, अपनी आंखों की पट्टी उतारो। फिर कहा मुझे पिंगला रूपी जो आपकी आंखों पट्टी, इसको उतारो भैया। फिर मैं कहता हूँ भैया मत कहो, अब दूर हो जाए।